जोहार किसान भाइयों, आज हम अपने ब्लॉग में आपको लेके आए हैं अपना खेत में, अरहर का खेत में, जो कि ये हमने 2 महीना पहले इसका हमने बुआई किया है और आज पेड़ लगभग 7-7.5 फीट का हो गया है। इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बड़ा शॉर्ट में बताते हैं कि अरहर का खेती अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करें। अरहर कहने का मतलब है कि अरहर एक दाल है, दलहन है। अरहर में बहुत सारा प्रोटीन्स होते हैं। आपको पता है कि मांस से लगभग 21-26% अधिक प्रोटीन का मात्रा अरहर में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर मात्रा है। अरहर एक ऐसा दलहन है जो कि बहुत डिमांडेड है, इसका मूल्य उच्च हमेशा रहता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका बुआई का। बुआई हमने 2 महीना पहले किया था। ये सीजन लगभग जून जुलाई के आसपास में इसको किया जाता है। इसको हम इंटरक्रॉपिंग किए हुए थे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि इसमें हम 2 तरह का फसल ले सकते हैं। ये 5 से 6 महीने का फसल है, तो इसमें इंटरक्रॉपिंग जो मैंने किया था वो सबसे पहले मकई लगा हुआ था। अभी ये मकई का हमने फसल ले लिया है और मकई लगा सकते हैं इसका इंटरक्रॉपिंग में, बीच अंतर फसल में, और लगा सकते हैं बादाम, लगा सकते हैं, बहुत सारे फसल होते हैं जिसको लगा सकते हैं। अरहर का अभी हम बात करते हैं, तो अरहर का खेती में किस किस तरह की बीमारी हो सकता है, पेस्टिसाइड जो है क्या यूज कर सकते हैं, कीटनाशक क्या यूज कर सकते हैं, पूरी की पूरी हमने जैविक खाद का उपयोग किया है और जैविक दवाई का भी उपयोग किया हुआ। इस पौधे को जो देख रहे हैं यहाँ पे गांठ, ये गांठ से यहाँ 3 अलग अलग 4 अलग अलग टहनियाँ निकले हैं, इसका रीजन है। ये जनरली लोग गांव में खेती करते कैसे हैं, ये लाइन से जो पौधा दिख रहा है हमने इस पौधे को लाइन से लगाया है। ये और ग्रोथ करेंगे, लोग जैसे तैसे लगा देते हैं। लाइन से लगाना बहुत जरूरी है। सारा का सारा पौधा मेरा लाइन में है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद लाइन से लगाने के बाद इसको हमने ड्राफ्ट किया है। ड्राफ्ट करने के बाद 2 बार ड्राफ्ट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया हुआ है। ये ड्राफ्टिंग जैसे करते हैं तो इसका तना बहुत सारा फैलने लगता है, चारों तरफ फैलने लगता है। और इसको हम ड्राफ्टिंग इस तरह का करते हैं, यहाँ अगर हम ड्राफ्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम ड्राफ्ट कर देते हैं, ये ड्राफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से इसका ब्रांच टहनियाँ, बहुत सारे टहनियाँ निकलेंगे और ये चारों तरफ फैल जाएंगे। जबकि गांव में ऐसे नहीं करते हैं, लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं अरहर का। ये देखिए इसमें भी मेरा बहुत सारे टहनियाँ निकले हैं और ये बहुत फैल जाएगा, इसका टहनी बहुत मोटा होगा। जनरली गांव में देखते हैं कि लोगों का इस तरह का एक टहनी निकलता है, उसमें उत्पादन कम होता है। अगर आपको अरहर की खेती करना चाहते इसमें, तो आप ज़रूर एक बार इसको ड्राफ्टिंग करिए। 2 बार ड्राफ्टिंग किया जाता है, एक फर्स्ट ड्राफ्टिंग जबकि सबसे नीचे, और फर्स्ट ड्राफ्टिंग किए तो मिनिमम तीन इस तरह का टहनियाँ आएंगे और तीनों टहनियाँ को फिर से ड्राफ्टिंग किया जाता है। इससे 8-10-15 टहनियाँ, अच्छे टहनियाँ आ जाएंगे। इसका लागत का बात करते हैं तो महज इसमें जोताई में हमारा 280 रुपया का खर्चा आया है और इसका बीज का खर्चा हमारा 1 किलो अरहर में हो गया है। 1 किलो अरहर मतलब 120 रुपया का, 120 रुपया का यहाँ पे हमने बीज डाले हुए हैं और ये करीबन मेरा 1 एकड़ एरिया में अरहर का खेत है। पूरा हम आपको खेत दिखाना चाहते हैं इधर से। 1 एकड़ एरिया में अरहर का खेत एक एकड़ एरिया में लगभग हम यहाँ से 2 क्विंटल का अरहर का दलहन प्राप्त कर सकते हैं। 2 क्विंटल कहने का मतलब है कि अगर खाने के लिए मेरा पर्याप्त हो जाएगा, बेचने के लिए भी हो जाएगा। अरहर का कीमत बहुत उच्च मूल्य के इसमें रखा जाता है, हाई वैल्यू क्रॉप में रखा जाता है। अरहर हमेशा इसका दाल 150 रुपये का किलो मिलेगा। तो इस तरह की खेती करना है, टेक्निक जानकारी लेना है, तो हमारे चैनल को लगातार बने रहिए। और भी चीज़ें इसके बारे, दवाई बनाने का, जैविक खाद बनाने का, सारे प्रक्रियाओं को हम रेगुलर आपको दिखाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जोहार रहेगा, झारखंडी जोहार।